पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी BCUC परचेस करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे लोएस्ट प्राइस में BCU मिल जाएगी। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, आपको इस ग्रुप में ऐड हो जाना है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड सेकेंड, इस ग्रुप के एडमिन से मैसेज करके आप आराम से BCU परचेस कर सकते हो। ये कुछ BCU का प्राइस है, तो जाओ जल्दी जल्दी लिंक फॉलो करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन। मुझे लगता है कि ये बंदे मेरे ऊपर पुश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई ये बंदे भी रैंक पुश कर रहे थे और डायरेक्ट पुश नहीं कर रहे थे। आपको खिड़की में बंदा दिख रहा होगा जो कि मस्त अपना पीक लेके नेड वेट कर रहा है, लेकिन भाई मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं इधर खड़ा हूँ। खैर, यहाँ पर इन बंदों को सामने दिख ही रहा था कि तभी मेरे को पीछे से कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। और भाई जिस हैगर की बात कर रहा था वो बंदा यही होता है जो अपने टीममेट की रैंक पुश करवा रहा था, और उस बंदे को क्या ही मारा। खैर, इस बंदे को तो निपटा दिया था, लेकिन भाई बारी थी इसके टीममेट की जो कि इसे रिवाइव कर चुका है नीचे। अब देख रहे हैं इस बंदे को दोबारा कैसे मारता हूँ, तो बस इंजॉय करो। और यहाँ पर इस बंदे ने स्पीड हैक लगा रहा था, क्योंकि ये बंदा जितनी तेजी से अंदर आया और जितनी तेजी से मूवमेंट कर रहा था और रिवाइव होने के बाद जितनी तेजी से ये कवर में गया, भाई क्या ही बोलूं। और इस बंदे को मारने के बाद भाई अंदर छोड़ो पहले। ओके, अब नेट करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। संदीप वर्मा, सॉरी 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 बट वाई सॉरी ब्रो। बूम, पढ़ जा प्लीज प्लीज प्लीज। अरे पढ़िए भाई उसको। बूम, क्या गुंडे बनोगे रे तुषार, तुमसे ना हो पाएगा यार। इसने ड्रॉप भी लूटा होगा। ओ भाई ओपी, ओ भाई क्या मारा है ब्रो, ओ भाई क्या बचे भाई। भाई इन्हें हैकरों से ना हद है भाई अपने को, भाई क्या ही बोला जाए ब्रो। ओ अच्छा, एक बात बताऊँ, ये हैकर भाई कतई वहां से ऐसे आया, मतलब मैं नीचे आए था इतने वो कूद के भाई पूरा इधर आ भी गया। वाओ वाओ। और देखना कितनी मेरी हेल्थ को एलिट कर देगा। भाई साहब कहाँ तक पहुँचा दी इतने में हेल्थ, और मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं जल्दी से मेडकिट लगाता हूँ, और ये बंदा मेरे को शायद से हैकर लगा, काफी हद तक हैकर लगा। और आपने देखा ना, जो ये फिरकी की तरह बिल्कुल रॉकेट की तरह मेरे साइड से घूम के गया ना भाई, इससे तो बिल्कुल चीटर लग रहा था ये। अब हो सकता है इसका कुछ टेलीपोर्ट हो रहा हो, क्या पता इसका पिंग का इशू हो। अगर ऐसा कुछ नहीं था ना तो भाई पक्का चीटर था ये, आप लोग बताना। और स्टार्ट, गाइस देख रहे हो, हैकर, गाइस हैकर को मारा मैंने। ओए मार मत, अबे मार। अबे मारता क्यों, नाचो इनके सामने। हैकर को मारा भी गाइस, क्या ही हैकर था ब्रो। मारो इसे, हैकर को, साले को मारो इसे।
हैकर क्या आता है, टी रेक्स माफिया। गाइस देख लो, नाम देख लो, टी रेक्स माफिया। अभी मारा सर, देख स्ट्रीम पे देख। टी रेक्स से तो पहले भी आया पर वो और हमको सामने फायरिंग की आवाज आती है तो हम रस करने के लिए चल देते हैं, लेकिन हमको नहीं पता था कि ऐसे हालात हो सकते हैं। क्या भाग रहा है बंदा? एक सेकंड के लिए मेरे मन में विचार आ गया था कि भाई इसकी उठाओ और यहाँ से निकल लो, क्योंकि भाई ये नहीं मरने वाला। लेकिन जब हमारी पूरी स्क्वाड आ जाती है तो फिर मैं भी जोर लगा देता हूँ, लेकिन तो भी हैकर के एक भी बुलेट नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा एग्जिस्ट करता है, बंदा कुत्ते की मौत मारा जाता है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा वो तुमको ये कमेंट पढ़ के पता चल जाएगा। तो कुत्ते की मौत कौन मारा गया वो समझ में आ ही गया है, और बाकी इसके चैनल का आधा नाम मैंने मिटा दिया है, क्योंकि मैं किसी चूतिए का प्रमोशन बिल्कुल नहीं करना चाहता जिसके अंदर दिमाग ऐसी जगह पे हो जहाँ से कुछ और करना होता है। बाकी समझदार लोग समझ ही गए होंगे। तो ऐसे काली शक्ति वाले चूतियों को इग्नोर करते हैं और गेम प्ले में आगे बढ़ते हैं। और बाकी मुझे पता है कि तुम लोगों ने ईयरफोन लगा लिया। करता और उतने में ये उसके टीममेट पूरे रस कर देते मेरे ऊपर। और यार उसका नाम था फेक प्रेम, तो उसका नाम था फेक प्रेम। और देखो वो बंदे अब आ गए मेरे ऊपर रस करने। तो आप किल फील्ड में देख सकते हो जो बंदा अभी मार रहा है ना, वही हैकर था जिसका नाम था फेक प्रेम, और वो सभी मेरे ऊपर रस कर देते। अब देखना यार क्या होता है मेरे साथ। तो यार जैसे तैसे इन बंदों को मैं नॉक करता हूँ, तभी पता चलता है कि इनका लास्ट वाला बंदा भी आ रहा है, और यार वही हैकर था। तो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नीचे जंप करता हूँ और यहाँ पे फटाफट से हील लगाता हूँ। अब देखो यार इनको कैसे निपटाते हैं। और यार लास्ट वाला बंदा ही हैकर था जिसको मैं निपटा दिया, और यार बहुत ही गंदा डैमेज दिया था ये बंदा। फिलहाल तो इनको मैं निपटा देता हूँ। अब देखो यार जो बंदे को मैंने निपटाया था ना, उसकी मैं आपको केडी दिखाता हूँ भाई, उसकी केडी क्या है। तो अभी मैं गेम में आता हूँ, उसका आईडी मैंने सर्च कर लिया था पहले से। तो यार उस बंदे का नाम था फेक प्रेम, जो कि मैंने सर्च कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो लड़की का फोटो लगा रखा है। अब चलते इसके स्टेटस पे, एंड जैसे मैं स्टेटस पे क्लिक करता हूँ भाई साहब, देख के आप पागल हो जाओगे। यहाँ पे यार 48% हेडशॉट परसेंटेज का, 49 है, समझ जाओ 49 है, यानी कि 48.5 की हेडशॉट परसेंटेज है इसकी। एंड यार सोलो में आप देख सकते हो 53.9 के, यानी कि 54 की हेडशॉट परसेंट है यहाँ पे। और मैं सीजन 4 का करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, सीजन 4 में स्क्वाड में लगाता हूँ तो यहाँ पे 48 का सीजन 4 में भी हेडशॉट परसेंट है। तो आप समझ सकते हो भाई ये कितना बड़ा हैकर है। तो भाई इस तरीके से हैकर आ रहे हैं गेम के अंदर। With you.